और एक ये पंक्ति जो मैंने पिछली बार बच्चों को सुनाई थी, गोपाल दास नीरज एक कवि हुए थे और उनका नाम भी नीरज, मेरा नाम भी नीरज, यहाँ भी नीरज, वहाँ भी नीरज। हाँ, कहाँ पे नीरज? अच्छा, इधर है। हाँ, नीरज कुमार सिंह सर, नीरज कुमार सिंह सर कहाँ है? अच्छा, वहाँ पीछे है, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे नीरज हैं, कमल खिल रहे हैं। अच्छा, क्लासरूम में कोई नीरज बच्चा है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, जबरदस्त, जियो मेरे लाल। ही डजंट हैव आइडिया। एनीवे, तो ये एक पंक्ति है जो कि पोदार सर बहुत सुंदर गाते हैं, इसलिए पोदार सर को माइक दिया जाए, ठीक है। अगर पानी तो अगर बोलते हेलो सब लोग, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलो, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलो, भटकी भटकी है नजर गहरी गहरी है निशा, भटकी भटकी है नजर गहरी गहरी है निशा। मतलब नजर भटक रही है, रात खत्म नहीं हो रही है, गहरी है, ठीक है। और ये कल्पना कर रहे गोपाल दास नीरज कि उनके पास मौत आ गई है, यमराज स्वयं आ गए, यमदूत आ गए हैं। और वो किसको कह रहे हैं? यमदूत को कह रहे हैं कि क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलो। ये गीत मैं इसलिए आज तुम्हारे बीच गुनगुना रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जाने को, सिमट से निकल के जाने को बेकरार हो, है ना। तो तुम लोग जब चल के जा रहे हो, निकल के जा रहे हो, और ये आज ये आखिरी क्लास जब मैं ले रहा हूँ, तो मेरे मन में ये भाव आता है, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गालू तो चलो, गहरी गहरी है नजर, भटकी भटकी है नजर गहरी गहरी है निशा, उलझी उलझी है डगर धुंधली धुंधली है दिशा। दिशा दिखाई नहीं पड़ रही है, जो मैं सबसे बात कर रहा था कि लक्ष्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, गोल क्या है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, क्या काम करेगा, ठीक है। तो उलझी उलझी है डगर और धुंधली धुंधली है दिशा, दिशा स्पष्ट नहीं है किस दिशा जाना है, हाँ, लेकिन चलना है। तारे खामोश खड़े, तारे खामोश खड़े, द्वारे बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा। यानी कि जो उषा सूर्य की रोशनी है वो अभी आ भी नहीं पा रही है, और तारे जो है वो खामोश हो रहे हैं, मतलब तारे दिख नहीं रहे हैं और सूरज की रोशनी भी अभी आई नहीं है। ये वो समय है, बीच का समय। तुम लोग भी उसी समय पे हो ना, जीवन के उस मोड़ पर हो जहाँ सफलता अभी मिली नहीं है और विफल तुम अभी हुए नहीं हो। मेरी कविता को समझो, भाव को समझो, क्या तुम विफल हुए, क्या तुम सफल हुए? नहीं। तो फिर तारे खामोश खड़े, द्वारे बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा। गीत बदनाम ना हो, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी की शाम ना हो। तो विदाई के बेला के जो लेसन दिए गए इसीलिए दिए कि ये जो सिमेज का गीत है, एक गीत की तरह सिमेज का तुम्हारा ये 3 वर्ष का समय गुजरा, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। एक गीत की तरह, एक गजल की तरह गुनगुनाते हुए तुम्हारा ये सफर गुजरा, हाँ। कभी झिड़की पड़ी, कभी डांट पड़ा, हाँ, कभी कभी बैकलॉग लगा, कभी अटेंडेंस का वो हुआ, हाँ, कुछ कुछ होता रहा, उतार चढ़ाव, मजा आया, ठीक है। लेकिन गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, जहाँ जाओ सिमेज का नाम, सिमेज का गीत बदनाम ना हो। तुम ये जो लोगो लगा रखे हो ना आज दिल पर अपने, ये तुम्हारे संग हमेशा रहेगा और इसका नाम हमेशा जुड़ा रहेगा। जब तुम किसी कंपनी में जाओगे और उस कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, जब वहाँ तुम्हारा 5 साल के बाद जूनियर जाएगा तो एचआर बोलेगा, सिमेज से तो हमारे यहाँ पहले भी एक बच्चे आए, ऐसा बोलते हैं वो,
विप्रो में जब बच्चे जाते हैं, आईसीआईसीआई में जब बच्चे जाते हैं, सिमज का उन्होंने वहां पे नाम बनाया है, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो। तो ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, बुझते हुए दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं, बुझते हुए दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं। तो तुम लोग तो आज मोमबत्तियां फड़फड़ा रही हैं, अब मशाल बन चुकी है, और ये मशाल ओलंपिक की मशाल हमेशा जलती रहे, समझ रहे हो ना बात को, बुझते हुए दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं, ऐसी क्या बात है, चलता हूं अभी चलता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।